अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पर उनके खासम खास रहे प्रदीप मिश्रा ने आज बड़ा आरोप लगाया है। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मोतिहारी सीट से चुनाव लड़ने के लिए हमने कुशवाहा को 90 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उन्होंने उनसे 15 करोड़ रुपए की मांग की। मुख्यमंत्री जी का क्या लेना देना है? बिल्कुल नहीं। तो किसके कहने पे कर रहे हैं? मेरा अपना पर्सनल, मेरा दिल गवा, मैं 2 महीना सोया नहीं। जब मुझे लगा 5 साल जिस आदमी के साथ काम करिए, उस आदमी ने जब आपको आपके ऊपर पीछे से कोई वार करे, आपको कैसा लगेगा बताइए? नहीं, आप भी अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं नीतीश जी की तरह। अंतरात्मा की आवाज से ये किया क्या? मुझे लगा कि उपेंद्र कुशवाहा भ्रष्ट है और जो सामाजिक विचारधारा की लड़ाई की बात करता था वैसा नहीं है। तो आपने उनको भ्रष्ट बनाया पैसा देके? हमने उसकी जरूरत थी, उन्होंने बोला कि हमें उन्होंने टिकट के लिए स्पष्ट किया पार्टी देना भाई। वो पर्सनल बोले कि हम कभी विदेश नहीं गए, हमारा परिवार नहीं गया, ले चलिए। आप भी बोलिए, आपको भी ले चलते हैं क्या? इस दौरान उनके साथ पार्टी से अलग हुए वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि भी मौजूद रहे। वहीं प्रेस वार्ता में पत्रकारों के जवाब देने में प्रदीप मिश्रा असमर्थ नजर आए और हक्का बक्का रह गए। हम तो मिले भी नहीं है। ये तो मिले भी नहीं, मैं भी आप मिलिएगा तब बोलिएगा। ये भी नहीं मिले और बहुत सारे लोग हैं इसमें मुख्यमंत्री जी का क्या लेना देना है? नहीं, ये बताइए, एक सवाल है, सीधा सवाल। आप मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या मुख्यमंत्री जी ये सब कुछ जानते हैं जो आप खुलासा कर रहे हैं? नहीं, कर रहे हैं बिल्कुल नहीं। तो किसके कहने पे कर रहे हैं? मेरा अपना पर्सनल, मेरा दिल गवा, मैं 2 महीना सोया नहीं। जब मुझे लगा 5 साल जिस आदमी के साथ काम करिए, उस आदमी ने जब आपको आपके ऊपर पीछे से कोई वार करे, आपको कैसा लगेगा बताइए? नहीं, आप भी अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं नीतीश जी की तरह। अंतरात्मा की आवाज से ये किया क्या? मुझे लगा कि उपेंद्र कुशवाहा भ्रष्ट है और जो सामाजिक विचारधारा की लड़ाई की बात करता था वैसा नहीं है। तो आपने उनको भ्रष्ट बनाया पैसा देके? हमने उसकी जरूरत थी, उन्होंने बोला कि हमें उन्होंने टिकट के लिए स्पष्ट किया वहीं आरोपों के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मीडिया के माध्यम से उन्हें मालूम पड़ा है कि बड़े भाई नागमणि जी उनके ऊपर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आदरणीय बड़े भाई नागमणि जी ने मेरे ऊपर कई कथित गंभीर आरोप लगाए, साथ ही साथ उन आरोपों की सच्चाई जनता के बीच आए, इस बात को लेकर उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की है। सीबीआई से जांच की जो उनकी मांग है, उस मांग का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। और आदरणीय नागमणि जी बड़े भाई से मैं कहना चाहता हूं कि आपने जब मांग की है सीबीआई जांच से, और दूसरी ओर मुख्यमंत्री जी से काफ़ी करीबी इन दिनों आपकी हो गई है, तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, लोग भी जान जाए कि कितनी करीबी है नीतीश कुमार जी से। सीबीआई जांच तभी होगी जब मुख्यमंत्री बिहार सरकार अनुशंसा करेंगे, तो उस मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी से अनुशंसा भी करवा दें, सीबीआई जांच हो जाए। जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो नागमणि जी की बड़ी कृपा होगी। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि जरूर सीबीआई से जांच करवा दें। अब कौन सही है और कौन गलत, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। पटना से न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।